मोहम्मदिया मंदी हाउस की लाजवाब पेशकश ब्रोस्टेड चिकन साफ शफाफ माहौल में तैयार किया जाता है फ्रेंड्स के लिए। मोहम्मदिया मंदी हाउस शहर में हर जगह मेन ब्रांच कादरबाग नारन नगर रोड हैदराबाद। आइए नाजर अगली खबर हम आपको बताने जा रहे हैं जो कि बाजीगर को लेकर है। अब ये बाजीगर कौन है हम आपको बताते चलें, क्योंकि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी कोई बाजीगर से कम नहीं है, क्योंकि हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। आज हारे हैं तो कल जीतेंगे जरूर, बहुत बड़े बाजीगर बनेंगे क्योंकि बार बार ये हार रहे हैं, लेकिन जब भी जीतेंगे बहुत बड़े बाजीगर बनेंगे। तो बहरहाल जो है आज दारुसलाम से बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि कांग्रेस की जीत हुई है कर्नाटक में, कांग्रेस को जो है हम तहे दिल से मुबारकबाद देते हैं, अवाम ने जो फैसला किया है, अवाम ने जो पार्टी को चुना है हम उसको कबूल करते हैं, इस तरह से असदुद्दीन अवैसी ने कहा। तो बहरहाल जो है कुछ कम सीटों पर यानी 2 या 3 सीटों पर AAIMM पार्टी ने इलेक्शन लड़ा था, लेकिन एक भी सीट MIM को नहीं आई, आज नहीं आई तो कल आएगी, इसलिए हम बाजीगर कह रहे हैं। तो बहरहाल कहीं ना कहीं जो है एक सीट पर बीजेपी को फायदा पहुंचा है, क्योंकि वहां पर AAIMM पार्टी ने अपना कैंडिडेट तो नहीं खड़ा करा था, लेकिन एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट था जिसको AAIMM पार्टी ने सपोर्ट किया था। वो हलके का नाम है जामकंडी, जहां पर 5,797 वोट आए हैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को। वहीं पर जो है उसी मुकाम पर 5,000 वोट से कांग्रेस को हार हुई है। अगर 5,000 वोट कांग्रेस को मिल जाते तो शायद वहां से भी कांग्रेस जीत जाती, लेकिन वहां पर जो है बीजेपी की जीत हुई है। 78,453 वोट्स मिले हैं बीजेपी पार्टी को, वहीं पर कांग्रेस को जो है 73,281 यानी इतने वोट जो है कांग्रेस पार्टी को हासिल हुए। कहीं ना कहीं 5,000 वोट की कमी पड़ी जिसकी वजह से कांग्रेस वहां पर हार गई। तो बहरहाल एक सीट पर हार हुई है कांग्रेस को, जहां से 5,000 वोटों की कमी पड़ी थी। खैर बहरहाल बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने जो है क्या कहा है दारुसलाम से वो हम आपको दिखाते हैं। जो कल कर्नाटका के इलेक्शन के नतीजे आए, मैं उस सिलसिले में भी हमारे जो 2 मजलिस के उम्मीदवार थे वहाँ पर हमको कामयाबी नहीं मिली। एक जगह पर हमने ताईद किया था जमकंडी में, तो मैं उन तमाम दोनों असेंबली हल्के जात का, हुबली ईस्ट की जनता का, बसवाना बागरी के जनता का, वहाँ की आवाम का, जमकंडी की आवाम का, कि जिन्होंने मजलिस के उम्मीदवार और ताईद उम्मीदवार को वोट दिया, इंशाअल्लाह ताला हम और मेहनत करेंगे, हमारे हौसले कभी पस्त होने वाले नहीं हैं। कर्नाटका की आवाम ने एक फैसला लिया, कांग्रेस को इख्तदार दिया, और हम उम्मीद करते हैं कि वो जो आवाम से वादे किए थे उन वादों को पूरा करेंगे। मगर मजलिस की मजबूती का काम चाहे उत्तर प्रदेश हो, कर्नाटका हो, तेलंगाना हो, महाराष्ट्र हो, बिहार हो, झारखंड हो, बंगाल हो, ये हमारा काम चलता रहेगा, और आप और हम मिलकर इंशाअल्लाह ताला इन तमाम जगहों पर अपनी एक सियासी तारीख को बनाएंगे और अपनी कामयाबी के झंडे हम गाड़ते जाएंगे। तो आप तमाम का बेहद शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि बरकातहू। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेरे खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हों, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो, या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261।